अल्लाह रहमान रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 का मई जून 2020 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 है आपका सेक्शन ए, उसके जो 4 क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने कराए हैं, आपको कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा 2021 और 2020 फेब मार्च ये पेपर भी वहाँ पर आपको मिलेंगे जो मैंने कराए हैं। आज हम सेक्शन बी जो इसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का सेक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर भी नॉर्मली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिफरेंट टाइप्स के बजट्स बनाना, वेरियंसेस कैलकुलेट करना, ब्रेक इवन निकालना, इस किस्म की चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। कहता है वी लिमिटेड ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड ए सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो साल के शुरू के अंदर बजट्स बनाती हैं, एक मास्टर बजट होता है जिसमें ओवरऑल पूरी कंपनी के बजट्स हम बना रहे होते हैं, पूरी कंपनी को एज ए होल देख रहे होते हैं, ये मास्टर बजट होता है। और इसके अलावा जब हम इसको मॉनिटरिंग के ऊपर रखते हैं तो मॉनिटरिंग के ऊपर रखने के बाद में इसके एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं हम अपने मास्टर बजट से। और समटाइम्स एक टर्म्स और इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होती है? फ्लेक्सिबल बजटिंग का मकसद ये हुआ कि स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे उसको एक्चुअल जो कुछ भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, एक्चुअल जो आउटपुट आपकी हुई है, उससे फिर स्टैंडर्ड के लेवल पर ले जाके एक्चुअल रिजल्ट्स को चेक करके देखते हैं कि यार अगर हम स्टैंडर्ड पे होते इस रिजल्ट के साथ जो एक्चुअल हमारा आया है तो फिर हम कहाँ होते, और उसको मास्टर बजट से कंपेयर कर लेते हैं। और फिर एक्चुअल तो खुद होता ही है, फिर उसकी कंपैरिजन होती है। तो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स के थ्रू कंपनी ऑपरेट्स करती है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इफ़ यू आर रनिंग ए कंपनी, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग बजट्स, तो हाउ वुड यू बी मॉनिटरिंग द एक्चुअल प्रोग्रेस? That's very important के टू रन द कंपनी स्मूथली एंड टू अर्न प्रॉफिट विच इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मैनुफैक्चरिंग कंसर्न। तो यू नीड टू बी आई मीन टू से पुट इन कंट्रोल के बजटरी कंट्रोल को आप अपनी आप रखें उसको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम वेयरस क्या होती है कि आप डिफरेंट टाइप के मैनुफैक्चरिंग के अंदर स्टैंडर्ड बनाते हैं कि मटेरियल मेरा इतना लगना चाहिए, इतना रेट होगा, इतनी क्वांटिटी लगेगी एक यूनिट बनाने के अंदर, लेबर के घंटे आर्स जो है वो इतने लगेंगे, लेबर का रेट इतना होगा और फैक्ट्री ओवरहेड मेरा इतना होगा। तो ये आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप सेट कर लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स होते हैं उनका फिर कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी ये क्या कहता है। द बजटेड इन्फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मार्च 2020 वर एज फॉलोज। बजटेड आउटपुट जो है 2500 यूनिट्स इन्होंने कैलकुलेट की थी कि यार 2500 यूनिट्स पे अगर हमारे बनते हैं तो फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है हमारा $48,000 का लगेगा और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल जो है $24 पर यूनिट लगेगा। उसका ब्रेकअप है कि 3 किलोज मटेरियल 3 किलो लगेगा और पर किलो जो है वो $8 का होगा। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर है कि $64 पर यूनिट होगा और उसका ब्रेकअप यह है कि 4 आवर्स लगेंगे एक यूनिट बनाने में और 1 आवर्स की जो पेमेंट है वो $16 आपको करनी पड़ेगी। तो 16 × 4 यू गेट 64। वी लिमिटेड यूजेस लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स के जो वी लिमिटेड है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स इस्तेमाल करती है फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअल प्रोडक्शन पे चार्ज करने के लिए, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जैसे हम कहते हैं। तो अगर हम इसका रेट निकालना चाहें लेबर डायरेक्ट लेबर की बेसिस पर, तो देखिए 4 आवर्स आपके दिए हुए हैं, 2500 की प्रोडक्शन है, हर यूनिट बनाने में 4 आवर्स लग रहे हैं। इसका मकसद है टोटल जो आवर्स लगेंगे वो 10,000 आवर्स लगेंगे। 48,000 का फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया है, इसको अगर आप इस 10,000 से डिवाइड कर दें तो व्हाट यू गेट 4.8। ये 4.8 जो है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आपके पास आ गया ये पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर मार्च 2020 वर एज फॉलोज। एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास हैं कि आउटपुट आपकी 2400 है तो यही नेगेटिव हो गया। व्हाट यू प्लान्ड फॉर 2500 यूनिट्स बनाने हैं और व्हाट यू आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग 2400 यूनिट्स नेगेटिव है ये। और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इस लेवल के ऊपर $49,800 का लगा जबकि आपने एस्टिमेट किया था फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मकसद है ऐसी कॉस्ट कि आप आउटपुट कुछ भी ना करें तो भी आपको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल
आपकी फैक्ट्री का रेंट है वो आपको पे करना ही करना है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें या ना करें। आपके पास सुपरवाइजर्स जो रखे हुए हैं आपने, उनकी सैलरी आपको देनी ही देनी है। चले वो लेबर जो डायरेक्ट लेबर है उसको तो आप हटा भी दें, लेकिन नॉर्मली जो लेबर होती है आपकी, जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है उसको आपको रखना होता है। उसके बाद मैनेजर्स आपके हैं, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं, तो इस किस्म के यूटिलिटी के एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, तो इनका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्शन से एक हद तक होता है। इसके अलावा आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो पे करनी ही करनी पड़ती है। यूटिलिटी के अंदर जैसे आपका जो एक फिक्स पोर्शन होता है कि जो आपको यूटिलिटी कंपनी को देना है, बाकी फिर वेरिएबल होता है कि अगर आप ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी यूज़ करते हैं तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोनों कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। लाइक टेलीफोन रेंट के बिल की तरह, अगर आप टेलीफोन का बिल देंगे तो उसमें जो एक फिक्स चार्जेस आपसे लेते हैं कि वो तो आपको पे करने ही करने हैं, बाकी फिर अगर आप कॉल्स करेंगे तो वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ तो फिर इसका मकसद ये हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है 68,340 डॉलर थी, और डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज़ किया वो 8,040 आर्स करा। तो अगर इसको 68,340 को मैं डिवाइड कर दूँ, 68,340 को मैं डिवाइड कर दूँ 8,040 से, तो ये 8.5 आ गया पर किलो। इसका मकसद है मैंने जो मटेरियल खरीदा वो 8.5 पर किलो के हिसाब से खरीदा, वेयर एज मैंने कैलकुलेट किया था, प्लान किया था कि $8 का मुझे पर किलो पड़ेगा, तो फिर नेगेटिव हो गया ये। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 156,864 डॉलर की लगी है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके पास 9,120 आवर्स हैं। मैं अगर इसको भी डिवाइड कर लूँ यहाँ पे 156,864 डिवाइडेड बाय 9,120, ये वाला 9,120, व्हाट आई गेट 17.2। तो 17.2 पर आर, मैंने कैलकुलेट किया था कि $16 के हिसाब से मैं लेबर को पे करूंगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। कहता है प्रीपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट इन ए कॉलमनर फॉर्म शोइंग द मास्टर बजट, फ्लैक्स बजट एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स। कि मास्टर बजट आप बना लें, इसके अलावा फ्लैक्स बजट बना लें और फिर एक्चुअल रिजल्ट बना लें। तो देखिए मास्टर बजट बनाना तो आसान है कि जो आपके पास शुरू के अंदर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने सेट की थी, आप इसी फिगर को ले लें। आपके पास डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर का रेट दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, तो इस 24 को आप मल्टीप्लाई करें 2,400 से, 24 मल्टीप्लाइड बाई 2,000, बल्कि 2,500 है ये, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2,500 व्हाट यू गेट 60,000। 60,000 का मटेरियल है, और इस 64 को जो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का रेट है, इसको फिर 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 2,500 से, तो 160,000 आपके पास आता है। ये डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्ट मटेरियल 60,000, डायरेक्ट लेबर आपके पास 160,000 आ गई, और फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, इन तीनों को आप प्लस कर लें, ये आपका मास्टर बजट बन जाएगा। देख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल 60,000, डायरेक्ट लेबर 160,000 और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 48,000, ये आपका ये बन गया। उसके बाद में जो फ्लैक्स बजट है, जब भी फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए जाएं तो आप ये देखें कि एक्चुअल आउटपुट आपकी कितनी हुई है, और इस एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें। आप किससे मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा फार्मूला कि जब फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे तो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, कि हम एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट के ऊपर ले जाकर देख रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड के रेट हमारे होते तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी होती है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो आसान है, देखें 2,400 यूनिट्स हैं, इसका जो स्टैंडर्ड का रेट है मटेरियल का 24 है, तो मटेरियल का रेट पे 24 जो स्टैंडर्ड रेट था इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2,400 मल्टीप्लाइड बाई 24, व्हाट यू गेट 57,600। 57,600 आपके पास आ गया।
इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर आपका जो रेट है वो कितना है, 64 है। इसी 64 को आप फिर अगेन जो एक्चुअल आउटपुट 2400 है, तो 64 को अगर मैं 64 को मल्टीप्लाई करूं 2400 से, 153,600, ये आपके पास डायरेक्ट लेबर आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हमने निकाला था 4.8, आपको मैंने शुरू में निकाल कर दिखाया। और जो डायरेक्ट लेबर के जो एक्चुअल घंटे हैं, एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने हैं, 9120 एक्चुअल लेबर के आवर्स हैं। तो 9120 को मल्टीप्लाइड कर दें 4.8 से, 9120 मल्टीप्लाइड बाई 4.8, व्हाट यू गेट, 43,000। बल्कि ये वाले घंटे नहीं, स्टैंडर्ड के ऊपर आप करें तो स्टैंडर्ड जो है वो कितना था, 4 आवर्स था आपका। सारे रेट्स स्टैंडर्ड के लेंगे हम, एक्चुअल नहीं लेंगे, एक्चुअल आउटपुट लेनी है जो मैंने आपको बताया। तो 4 आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो ये 2400 यूनिट, यानी 2400 यूनिट्स एक्चुअली आपको बनाने थे, और आपने स्टैंडर्ड था कि 4 आवर्स आपके लगेंगे एक यूनिट बनाने में। और इसका जो रेट है वो कितना है स्टैंडर्ड का आपका, वो है आपके पास, बल्कि इसका जो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है 4.8 है आपके पास। 4.8 का रेट आपने निकाला था, तो 2400 ये यूनिट्स हैं, और एक्चुअल स्टैंडर्ड जो घंटे थे, जो आवर्स आपके थे एक यूनिट बनाने में, 4 आवर्स लगते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें, और फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट आपने निकाला था 4.8 था, तो 46,080। ये जो मैंने आपको लिखवाया है इसको याद रखिएगा, 46,080 ये 3 फिगर से वो आपने निकाल ली तो ज़िंदगी आसान है। देखें, डायरेक्ट मटेरियल 57,600, डायरेक्ट लेबर 153,600, और फिक्स्ड ओवरहेड 46,080, ये तीनों फिगर्स हमने निकाली हैं। 46,080 हमने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला, 157,600 लेबर निकाली थी, और मटेरियल निकाला था, 153,600 हमने लेबर निकाली थी। तो ये हमारे पास आ गया। एक्चुअल रिजल्ट्स तो आपको दिए हुए हैं, बहुत आसान है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको दिया हुआ है इसने, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी दी हुई है, और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल है 68,340, डायरेक्ट लेबर है 156,864, और फैक्ट्री ओवरहेड 49,800। तीनों को आपने प्लस करा, आपके पास ये एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। तो नाउ आपके पास मास्टर बजट भी आ गया, फ्लैक्स बजट भी आ गया, और एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके पास आ गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे एक्चुअल के रिजल्ट्स नेगेटिव ही हैं। आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि आपने सोचा था 268,000 का, और एक्चुअल को स्टैंडर्ड पे लाकर भी 257,280 डॉलर आपके खर्च होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली आपने 275,004 डॉलर आपके खर्च हुए। उसके रीजंस हम देख कर आ रहे हैं कि मटेरियल भी हमने महंगा खरीदा है, लेबर जो है वो भी हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इसके रीजंस हैं। अभी हम देखते हैं ये हमसे आगे क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस निकालें। जब भी ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस निकालने की बात करें, तो आप जो आपका जो फ्लेक्स्ड बजट है, जो आपने एक्चुअल को स्टैंडर्ड पे ले जाके बनाया था, और एक्चुअल, इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस कहलाता है। तो 68,340 में से आपने माइनस कर दिए 57,600, तो आपके पास फ्लैक्स बजट जो है उसकी वैल्यू कम है, एक्चुअल रिजल्ट्स आपके ज़्यादा हैं, मटेरियल आपने ज़्यादा लगाया, तो ये 10,740 का नेगेटिव एडवर्स वेरिएंस कहलाता है ये, कि ये एडवर्स वेरिएंस है। उसके बाद कहता है एनालाइज द रीजंस फॉर द डायरेक्ट एनालाइज द रीजंस फॉर द डायरेक्ट मटेरियल वेरियंसेज, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। ये जो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इसकी प्राइस है, एक इसकी क्वांटिटी है। तो ये दो वेरिएंसेस इसके कैलकुलेट हम करते हैं, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और एक मटेरियल यूजेज वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने का फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, डिफरेंस इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस इन प्राइस आपने देखा था, हमने 8.5 निकाला था, और स्टैंडर्ड का रेट 8 था, तो 8.5 माइनस 8, और आपके एक्चुअल जो मटेरियल जो लगा है वो कितना है, 8,040 किलो। आप देख रहे होंगे जो एक्चुअल आपने मटेरियल यूज़ करा, तो ये फार्मूला था आपका।
इसमें डेफिनेट आपका जो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल जो मटेरियल आपने खरीदा वो 8.5 पे खरीदा, तो ये फिर 8.5 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 8040 जो स्टैंडर्ड जो एक्चुअल आपकी क्वांटिटी यूज की है, तो ये 4020 का आपके पास एडवर्स वेरियंस आ गया। क्यों आया? क्योंकि 8.5 ज्यादा है जो एक्चुअल आपने मटेरियल खरीदा। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरियंस निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरियंस निकालने का तरीका ये होता है कि डिफरेंस इन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी तो आपके पास 8040 दी हुई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या है कि 3 किलो आपने सोचा था कि एक यूनिट पे 3 किलो लगेगा और एक्चुअल यूनिट्स आपने 2400 बनाए हैं, तो 2400 मल्टीप्लाइड बाई 7200। 7200 आपके हिसाब से मटेरियल लगना चाहिए था। इतने किलो लगा कितना है? 8040। और मैंने जैसे बताया कि जरा स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8 डॉलर पर किलो के हिसाब से आपको पड़ता, तो 8040 माइनस 7200 मल्टीप्लाइड बाई 8, वट यू गेट? 6720। और ये 6720 जो है ये भी एडवर्स वेरिएंस है। क्यों एडवर्स है? क्योंकि एक्चुअली आपने जो मटेरियल जो किलो था क्वांटिटी में ज़्यादा इस्तेमाल करा जितना करना चाहिए था उससे, तो 6720 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया। यूजेज वेरिएंस का फार्मूला मैंने बताया, डिफरेंस इन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। तो ये दो आपने निकाले, इन दोनों को आप प्लस करें, दोनों एडवर्स हैं, तो 6720 में 4020 को प्लस करें, व्हाट यू गेट? 10740। इन दोनों का प्लस माइनस करके, क्योंकि दोनों एडवर्स हैं तो प्लस हो जाएंगे। इसका टोटल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया। कहता है कैलकुलेट द डायरेक्ट लेबर वेरियंस। डायरेक्ट लेबर वेरियंस कैलकुलेट करें। डायरेक्ट लेबर वेरियंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फार्मूला मैं आपको बताकर आ रहा हूं कि फ्लेक्स्ड बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट लेबर वेरिएंस आ जाएगा। फ्लेक्स बजट आपका कहता है 153,600 डॉलर की लेबर लगनी चाहिए थी, आपने 156,864 की लेबर लगाई। ज्यादा लगाई तो फिर एडवर्स हो जाएगा। 156,864 माइनस 153,600, 3,264 डॉलर का एडवर्स वेरिएंस आपके पास आ गया। और वो रिजल्ट भी है, हमें पता है कि लेबर के हमने जो आर्स हैं वो भी मेरा ख्याल है ज़्यादा लगाए हैं शायद, या देखते हैं क्या हुआ। रेट तो हमें पता है ज़्यादा है। आगे कहता है कि एनालाइज द रीजंस फॉर द डायरेक्ट लेबर वेरियंसेस, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। यहाँ भी दो वेरियंस कैलकुलेट करते हैं लेबर में हम। एक कहते हैं डायरेक्ट लेबर रेट वेरियंस हो जाता है, रेट का डिफरेंस कितना आया, और फिर एफिशिएंसी के कितने आर्स इस्तेमाल करने चाहिए थे और एक्चुअली कितने आर्स आपने इस्तेमाल करे। तो रेट का फार्मूला, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला वही है, डिफरेंस इन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो डिफरेंस इन रेट कितना था हमें पता है, 17.2 हमने निकाला था और 16 डॉलर हमने सोचा था। स्टैंडर्ड रेट 16 डॉलर था, जबकि जो आपके पास जो आपने एक्चुअल का जो रेट निकाला वो 17.2 डॉलर था। तो 17.2 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने आए हैं? 9,120 आवर्स आपने एक्चुअली इस्तेमाल किए। तो ये जब आपने इसको निकाला, और आपको पता है आप देख रहे होंगे कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर का रेट जो है वो ज़्यादा है, तो ये भी 10,944 डॉलर का एडवर्स वेरियंस आपके पास आ गया। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है? डिफरेंस इन आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो डिफरेंस इन आर्स कैसे निकालेंगे? आपको पता है एक आपने सोचा था कि 4 आर्स लगेंगे स्टैंडर्ड एक यूनिट बनने पे, और बने कितने हैं? 2400। तो 2400 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 9600। और एक्चुअली आपने कितने घंटे इस्तेमाल करे, जो आवर्स आपने इस्तेमाल करे 9120। तो 9120 ये फिर फेवरेबल है, क्योंकि एक्चुअली आपके हिसाब से 9600 आवर्स लगने चाहिए थे।
आपने कम घंटे आर्स इस्तेमाल करें। 9120 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट $16 पर आर के हिसाब से था, तो 9600 माइनस 9120 मल्टीप्लाइड बाई 16, व्हाट यू गेट? 7680। ये फेवरेबल है क्योंकि आपने कम इस्तेमाल करें, तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। ये आपने देखें कैलकुलेट किया होगा इन्होंने, 7680 ये फेवरेबल है क्योंकि ये ज्यादा है। ये एडवर्स था 10944, एडवर्स में से माइनस कर दिया आपने फेवरेबल 7688, बट यू गेट एडवर्स ज्यादा है 3264, ये रिकनसाइल हो गया। ये आपने कैलकुलेट करा इसको लाके। अब उसके बाद आते हैं हम आगे आगे आते हैं। ये आपसे कहता है कि अब क्या, कौन सा इसने मांगा है आपसे, वो देख लेते हैं। कहता है कैलकुलेट द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आप कैलकुलेट करें, बिल्कुल बाकी सबकी तरह। मैंने कहा था टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो उसको फ्लेक्स बजट से देख लें कि फ्लेक्स से कि एक्चुअल स्टैंडर्ड पे कितने थे। तो यहाँ भी देखेंगे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरियंस आपको निकालना हो तो एक्चुअल आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड है $49,800 है, वेर एज एक्चुअल को स्टैंडर्ड पे ले जाके हमने जब कैलकुलेट किया था तो 46,080 आया था। इन दोनों का जो डिफरेंस है 49,800। फोर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस 46,080, ये आपके पास एडवर्स वेरिएंस आ गया क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपके ज्यादा लगे हैं, आपको पता है ये ज्यादा आ गया। ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लें लाके टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। तो समझा टोटल वेरिएंस आपने ये सीखा कि टोटल वेरिएंस अगर करना हो तो फ्लेक्स्ड बजट को एक्चुअल से कंपेयर करके हम टोटल वेरिएंस निकाल लेते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं आपके, और वो दो कंपोनेंट्स क्या कहता है, फिक्स्ड मांग कह रहा है। कहता है कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस। तो आपने अभी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस कैलकुलेट किया था, और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस को दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर देते हैं। एक कहलाता है कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, एक कहलाता है वॉल्यूम वेरियंस। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, एक तो रेट का डिफरेंस है जो हम देख कर आ रहे हैं, एक वॉल्यूम की वजह से भी डिफरेंस आता है। तो जब आप ये कैलकुलेट करने जाएं कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका मास्टर बजट था, जो आपने इनिशियली सोचा था कि यार फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा कितना, ये जो मास्टर बजट का जो फैक्ट्री ओवरहेड था इसको फिर आप कंपेयर करें एक्चुअल के साथ, क्योंकि वो इनिशियल प्लानिंग आपकी थी कि जो होनी चाहिए थी और जो हुई है या नहीं हुई है उसको देख लें, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहलाता है। तो 49,800 आपको पता है ज्यादा लग गया इनिशियली, ये मास्टर से कंपेयर कीजिएगा, लिख लें अपने पास किसी जगह। तो 49,800 में से आपने माइनस करे 48,000 जो इनिशियल आपने मास्टर बजट में थे, तो इसका मकसद है $1,800 का एडवर्स वेरिएंस आपके पास आ गया। ओवरऑल जो आपने सोचा था जो हुआ, यूं समझ लें आप, जो इनिशियली प्लान किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और जो हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस। वेर एज वॉल्यूम वेरियंस अगर आप निकालने के लिए जा रहे हैं तो वॉल्यूम के डिफरेंस को हमेशा कैलकुलेट कीजिएगा। ये वॉल्यूम वेरियंस आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम को हमेशा मास्टर बजट को फ्लेक्स बजट से कैलकुलेट कंपेयर कीजिएगा। मास्टर को क्यों फ्लेक्स से करेंगे, क्यों फ्लेक्स, फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होती है कि हम एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड के रेट पर ले आते हैं। इसका मकसद है वॉल्यूम तो फिर खत्म हो गया कि वॉल्यूम तो आपने एक्चुअल वॉल्यूम उठाया है और रेट स्टैंडर्ड का उठाया है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई डिफरेंस है तो फिर वॉल्यूम की वजह से कितना इम्पैक्ट आपके पास आया, ये फिर यहां से आपको पता चलेगा। तो 48,000 और वॉल्यूम इसलिए कि देखिए ये फर्क क्यों आया, इसलिए ये फर्क आया कि आपने 2,400 यूनिट्स बनाए। एक्चुअली मास्टर, जब मास्टर बजट आप बना रहे थे, जब ये प्लानिंग कर रहे थे, तो आपने 2,500 यूनिट्स बनाने का सोचा था, उस पे कैलकुलेशन आपने की थी, इसलिए ये नेगेटिव वेरिएंस होगा क्योंकि 1,000 का डिफरेंस आ गया ये। और 1,000 को अगर मैं, बल्कि 2,400 आपने करा और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो एक्चुअली था
2400 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी बल्कि 2400 माइनस 2500, 100 यूनिट्स आपने एक्चुअली कम बनाया, यही हुआ है ना। 2500 बनाने थे, 2400 यूनिट्स बनाया, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 आवर्स देखिए इसको कैलकुलेट। अभी तो ये कर लें कि मास्टर बजट का जो था 48,000 था, फ्लेक्स 46,080 था, तो डेफिनेटली यहां पर आपको क्या हुआ, ये भी फिर आपके पास एडवर्स आ गया कि वॉल्यूम वेरिएंस जो है, क्योंकि मास्टर बजट आपका ज़्यादा था, अगर ये कम होता तो फिर आपके पास ये रिज़ल्ट बेहतर होता। अभी तो ये रिज़ल्ट ख़राब हो गया वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि एक्चुअली 48,000 में से 46,080 आपने माइनस करे तो आपके पास 1920, और इसका रिज़ल्ट एडवर्स क्यों है, ये एडवर्स इसलिए कि आपने कम यूनिट्स बनाए। तो ये तो वेरिएंस बड़े ट्रिकी होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इसको अपनी जगह नोट कर लें कि जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अब मास्टर जो टोटल एफओएच फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्स बजट है उसको एक्चुअल से कंपेयर कर करेंगे, एक्सपेंडिचर वेरियंस क्या करेंगे कि एक्चुअल को कंपेयर करेंगे मास्टर से, और जब वॉल्यूम कर रहे होंगे तो फ्लेक्सिबल को फ्लैक्स को कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। अब देखिए आपने 2500 यूनिट्स की प्लानिंग की थी, आपने 2400 यूनिट्स बनाए, तो 100 यूनिट्स आपने कम बनाए, इसलिए ये एडवर्स है। और आपने ये सोचा था कि हर यूनिट बनाने पे 4 आवर्स लगेंगे आपके, तो इसका मतलब 400 आवर्स हो गए, और फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आपने कितना निकाला था, 4.8 निकाला था, याद है। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 4.8, देखिए यही 1920 आ गया आपके पास, ये देख रहे हैं 1920 ये रिकनसाइल हो गया। तो दैट्स द लॉजिक के 1920 कैसे निकला, सिंपल लॉजिक है कि आपने यूनिट्स कम बनाए, आपने एक यूनिट बनाने के ऊपर जो स्टैंडर्ड घंटे थे आर्स थे उससे मल्टीप्लाई करके टोटल आर्स आपने निकाल लिए, और उस पर एफओएच का रेट लगाया तो आपको पता चल गया। और देखें यहां भी जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यही रिजल्ट आ रहा है। दैट्स द होल पॉइंट, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, फार्मूला जो है जितने फार्मूले हैं इनको आप जहन के अंदर रखें तो ये सवाल आसान होता है, लेकिन अगर फार्मूला आपके जहन में नहीं है, कंसेप्चुअली आप साउंड नहीं है, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो कीप प्रैक्टिसिंग, इसका सॉल्यूशन कोई नहीं होता है, इसका वाइज सॉल्यूशन है कि कीप प्रैक्टिसिंग, आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी सेकेंड नेचर बन जाएगी और आप आराम से इसको कर लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आते हैं मीटिंग रिव्यूइंग अप्रैल 2020 बजट, अ डायरेक्टर सजेस्टेड दैट द प्रोडक्शन मैनेजर शुड बी फुल्ली अकाउंटेबल फॉर द एडवर्स वेरियंसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इन अप्रैल 2020। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू द मैन सप्लायर्स फेलियर टू सप्लाई द रिक्वायर्ड मटेरियल ही हैड टू आस्क द मैनेजर ऑफ द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू बाय द मटेरियल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर, दिस हैड कॉज्ड अ डिले इन प्रोडक्शन, इसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो गई। डिस्कस वेदर और नॉट द प्रोडक्शन मैनेजर शुड बी फुल्ली अकाउंटेबल फॉर द एडवर्स वेरियंसेस इन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, बिल्कुल नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि देखिए दीज आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डायरेक्ट मटेरियल जो आपने खरीदा है वो तो मटेरियल खरीदने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजिंग मैनेजर के ऊपर आती है। लेबर का रेट जो है वो एचआर कैलकुलेट करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वहां से फिर लेबर का रेट कैलकुलेट हो रहा होता है। प्रोडक्शन मैनेजर तो जो है सिर्फ उसकी एफिशिएंसी देखेगा कि जो आर्स उसने कैलकुलेट करे थे इतने आर्स में काम हुआ या नहीं हुआ। मटेरियल जब उसके पास आएगा तो वो उसको मटेरियल को ये देख लेगा कि मटेरियल की इनएफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, मटेरियल ज़ाया तो नहीं हो रहा है, तो यूजेज वेरियंस के ऊपर आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेट के ऊपर अकाउंटेबल कर रहे हैं तो गलत है, और अगर लेबर के भी जो आर्स हैं सॉरी जो रेट है उसके ऊपर आप कर रहे हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग गलत है, क्योंकि परचेजिंग मैनेजर और एचआर मैनेजर जो है वो हेल्ड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल के यार क्यों, जब प्लानिंग हमने करी थी $8 के अंदर हम मटेरियल खरीदेंगे पर किलो तो 8.5 के ऊपर क्यों खरीदा, हमने ये कहा था कि $16 पर आर के पर लेबर आर के हिसाब से हम पे करेंगे, तो $17.2 की पर लेबर आर क्यों पेमेंट करी हमने। तो ये दो लोग अकाउंटेबल होने चाहिए, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है इसके अंदर, परचेजिंग मैनेजर एंड एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर
एंड प्रोडक्शन मैनेजर, इन तीनों को अकाउंटेबल करना चाहिए इनकी अपनी अपनी चीजों की वजह से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये कहती है मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट इज अंडर हिज और हर कंट्रोल, कि उसके कंट्रोल में जो चीजें होंगी उसके लिए उसको अकाउंटेबल ठहराएं आप। प्रोडक्शन मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए परचेजिंग मैनेजर को करना चाहिए। डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल हैज एन इफेक्ट ऑन डिले इन प्रोडक्शन, कि डिले सप्लाई हुई तो प्रोडक्शन डिले हुई, इसके लिए भी परचेजिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्ट लेबर, नॉट द रेट विच इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल, के वो डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है लेकिन रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन्फ्लेशन और बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियन, इसी तरीके से आगे देखें इसने दोनों बता दिए कि रेट भी हो गया, डायरेक्ट लेबर भी हो गई, मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गई, बल्कि बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियन की वजह से अगर रेट्स बढ़ गया है उनके प्रेशर में आके, तो प्रोडक्शन मैनेजर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। इंश्योरिंग द स्टेबल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर ऑफ परचेजिंग मैनेजर, इसी तरीके से जो लेबर है लेबर के अंदर फिर जो है HR डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। तो अपेरेंटली जो डायरेक्टर है उसकी बात सही नहीं है, उसके रीजंस आपने देख ली, एक्सप्लेन मैंने करी, इन्होंने लिखी हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।